अब राजस्थान सरकार के लिए वो खबर जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपनी महत्वाकांक्षी योजना के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जब पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तो उन्होंने घर खरीदारों के लिए एक आवासीय योजना निकाली थी और उसी योजना के बाहर इस वक्त दौरे में हम खड़े हुए हैं, जहां पर अजमेर विकास प्राधिकरण ने इस पूरे प्रोजेक्ट को बनवाया था और उसके बाद घर खरीदारों को ये मकान देने थे। लेकिन स्थिति यहाँ पे क्या है, मैं आपको ताज़ा स्थिति दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक भी घर खरीदार फिलहाल नहीं रहता है, जिसके पीछे का जो वजह है, कारण है, वो बताया जाता है कि अजमेर विकास प्राधिकरण ने अभी तक यहाँ पर बिजली और पानी की कोई व्यवस्था नहीं दी है। मीटर यहाँ पर लगे हुए हैं, तार दिखाई दे रहे हैं, और जब हमने आगे चलकर यहाँ पे अगर देखा जाए, घर के ऊपर, इमारत के ऊपर चढ़ा जाए, तो यहाँ पर गंदगी पूरी तरीके से फैली हुई है। जो कमरे हैं यहाँ पर, जो फ्लैट हैं, उनके बाहर ताले लगे हुए हैं, यानी कि जिसके भी लॉटरी में ये निकला होगा, उन्होंने ताले तो लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर रहने जैसी कोई व्यवस्था अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से नहीं की है। कचरा बराबर यहाँ पर फैला हुआ है, और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर तकरीबन 300 से 350 अपार्टमेंट बने हुए हैं। मेरे पीछे आप पूरे देख रहे होंगे, गली दिख रही होगी आपको, पूरी झाड़ से भरी हुई है। ये पीछे की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी है जैसी आपको अभी इस वक्त तस्वीरों में यहाँ पर दिखाई दे रही है। तकरीबन 350 यहाँ पर फ्लैट हैं, और इस फ्लैट के ऊपर फिलहाल लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है कि ये स्कीम अभी तक, ये जो योजना है, ये फ्लॉप साबित होती नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। रमेश जी, ये जानना चाहूँगा कि ये योजना कब बनी थी और कितने फ्लैट टोटल यहाँ पर हैं? ये जैसे बता रहा, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत बनी थी, जिसमें करीब 52% लैंड पे फ्लैट ऐसे बने रहे जिनको सरकार लोगों से आवंटन लेके लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप को अलॉट करनी थी। ये लगभग 300 के आसपास फ्लैट हैं, और इसमें पानी की लाइन अभी तक नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए कोई भी एक निवासी नहीं रहते हैं। और क्योंकि इसमें सरकारी फ्लैट, इसमें पानी की बीसलपुर की लाइन देने का काम सरकार का था, सरकार ने जो संबंधित विभाग है उसने अभी तक पानी की लाइन नहीं दी है, इस कारण से कोई निवासी नहीं है। जितने घर खरीदार थे, क्या वो उन सबको पोजीशन मिल चुका है इसका या नहीं मिला है? पोजीशन देने को तैयार है सरकार, लेकिन पोजीशन बिना पानी का आदमी रहेगा कैसे, पोजीशन कैसे लेगा? अगर एक बार पोजीशन ले लिया फिर वो उसकी लायबिलिटी रहेगी नहीं, तो इसलिए जब तक पानी नहीं आएगा जो भी पोजीशन लेगा वो पानी के बिना कैसे रह सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवासीय योजना निकाली थी कि राजस्थान के अंदर उनके जो वोटर हैं, उनको जो वोट करते हैं या जो लोग हैं राजस्थान के, उनके घर का सपना पूरा हो, और इसीलिए उस प्रोजेक्ट पे हम आए जो पिछले 10 सालों से तकरीबन इसी तरीके से पड़ी हुई है। इसका दो बार रंग रोगन हो चुका है, लेकिन सफाई की व्यवस्था, और आपको दिखाई दे रहा होगा पूरे प्रोजेक्ट की हालत क्या है, बिजली और पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है। और अब खास तौर पर यहाँ के जो घर खरीदार हैं, उनको इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब एक बार फिर से राजस्थान में मुख्यमंत्री बने हैं, तो ऐसी जो पिछली उनकी आवासीय योजना है जो कि नाकाम साबित हो रही है, उसके ऊपर घर खरीदारों को राहत दी जाए। अजमेर विकास प्राधिकरण खैर इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTTV इंडिया, अजमेर।